दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे उल्लू पर रिलीज हुई एक नई शॉर्ट फिल्म। तो जो लोगों को लग रहा था ये शॉर्ट फिल्म नहीं, ये वेब सीरीज है, तो मैं लोगों को इतना बता दूं कि ये शॉर्ट फिल्म है, ये सिर्फ 16 मिनट की है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, चैनल करें, सब्सक्राइब हो, जो साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस कर दें। तो शुरू करते हमारा आज का वीडियो। तो बेसिकली उल्लू की वेब सीरीज शुरू होती है। तो देख लिया ना आपने कि उल्लू की वेब सीरीज किस तरीके से शुरू होती है। अगर आप लोग फिर भी नहीं समझे तो एक बार फिर से दोबारा दिखाता हूं। कहानी शुरू होती है सारा खान से, जो एक बार गर्ल है और वो एक डांस बार में काम करती है, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। वो अपने बॉयफ्रेंड से झूठ मूठ बोलती है, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को सच्चाई बताती नहीं कि वो एक बार में डांस गर्ल है। तो एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उसको प्रपोज करता है, बोलता है कि मैं तुमसे शादी करने जाता हूँ। तो वो हाँ कहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं तुमको सैटरडे को अपने पेरेंट्स के साथ मिलाना चाहता हूँ। तो वो तभी भी हाँ बोल देती है और वो जाती है अपने जहाँ पे वो बार में जहाँ पर डांस करती है वहां जाती है। वहां जाने के बाद वो अपने मेकअप मैन से बोलती है कि मुझे सैटरडे की छुट्टी चाहिए। तो वो बोलता है कि तेरे को मालूम है ना अन्ना, तेरे को छुट्टी नहीं देगा सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को हमारे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। तो वो बोलती है नहीं नहीं मैं एक बार बोल दी मुझे छुट्टी चाहिए तो छुट्टी चाहिए। तो बोलती तो बोलता कि रुक जा मैं अन्ना को बोलता। तो वो मामू अन्ना को कॉल लगाता है, तो अन्ना बोलता है मेरे को उससे बात कर रहे थे। तो अन्ना क्या बोलते हैं, अब वो सारा खान बोलती है मुझे छुट्टी चाहिए। नहीं रे तेरे को छुट्टी नहीं देगा, तेरे को मालूम है ना सैटरडे को अपने बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तेरे को छुट्टी नहीं देगा। तो सारा खान बोलती है मेरे को किसी भी हाल में छुट्टी चाहिए, मैंने 5 साल हो गए तुमसे कभी छुट्टी नहीं मांगी, मुझे प्लीज, मुझे बड़ा पर्सनल कुछ जरूरी काम है, मुझे सैटरडे को छुट्टी चाहिए। तो अन्ना बोलता ठीक है तेरे को छुट्टी देगा, लेकिन तेरे को एक मेरा काम करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बोलती क्या करना पड़ेगा, तेरे को तंबी को खुश करना पड़ेगा। तो बोलती ठीक है मैं तंबी खुश कर दूंगी। अभी आप लोग सोच रहे हो कि तंबी कौन है, तो तंबी है वो जो डांस बार है उसका टॉयलेट साफ करने वाला है। तो वो तंबी होता है ये आदमी। अब इसकी शक्ल देखो, इस शक्ल से खतरनाक खुकार लग रहा है, आपको कोई भी एंगल से इंसान तो नहीं लगता है। ये मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी प्रजाति जो इंसान और जानवर के संभोग करने से पैदा हुई है, ये वही प्रजाति है। और ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये आपको उल्लू जैसी वेब सीरीज में मिलेगी। और ये एक अनोखा जानवर है जो मैंने पहले उल्लू की किसी शॉर्ट फिल्म में देखा हो। मैंने इससे पहले बहुत ही अच्छे अच्छे जानवर उल्लू की वेब सीरीज में देखा था, लेकिन इतना खतरनाक जानवर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। और ये मैंने फाइनली उल्लू वाले ने मुझे ये भी दिखा दिया। तो इसको गौर से देखो, ये वही है, ये वॉन्टेड आदमी है, ये बहुत सारे लड़कियों के साथ करना चाहता था लेकिन इसको कभी मौका नहीं मिला। लेकिन जब फाइनली इसको मौका मिला तो ये इसने सोचा कि अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और इसने ऐसे ऐसे मुंह बना के किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये आपको सिर्फ शॉर्ट फिल्म, इसी शॉर्ट फिल्म में देखना। तो तंबी को खुश करना था, तंबी खुश भी हो जाता है। तो उसको सैटरडे को छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन सैटरडे से पहले आता है फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन उसका होता है शो। शो के दिन जैसे ही वो जाते हैं डांस बार में, वो डांस करने जाते, तभी उसको पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसी डांस बार में आया। और उसका बॉयफ्रेंड उसको देख लेता है, देखने के बाद क्या वो उसको एक्सेप्ट करता है या उसे उसको छोड़कर चले जाता है, क्योंकि उसने इतना बड़ा बलिदान दिया उसके लिए, उसके सैटरडे के मिलने के लिए वो किसी और इंसान के साथ रात बिताई या जो भी आप कह सकते हो वो किए, क्योंकि उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलना था। और यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की कि जो डांस बार गर्ल है वो क्या क्या चीजें फेस करते हैं। तो ये मैसेज आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ने ये वेब सीरीज देखी, सॉरी आप लोग ने अगर ये शॉर्ट फिल्म देखी, तो क्या आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और जो भी बार गर्ल है, जो भी इस वीडियो को देख रही है, आप लोग इस वेब सीरीज से कितना रिलेट कर पा रहे हो खुद से वो भी मुझे बता सकते हो। मैं आऊ आपका दोस्त राशि शेख। मैं इतना ही कहूंगा कि साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। मैं आपसे कल किसी नए वीडियो में दिल जाए।